अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद देश गुस्से में। हिसार में बजरंग दल के लोग हुए आपे से बाहर। मस्जिद में एक संप्रदाय विशेष के व्यक्ति को मारे थप्पड़, बोले भारत माता की जय बोलो। कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। हरियाणा के हिसार में आतंकवाद का पुतला फूंकने के बाद बजरंग दल के लोग मस्जिद में पहुंच गए और वहां संप्रदाय विशेष के एक प्रमुख व्यक्ति को निकालकर उसे भारत माता की जय बोलने के लिए कहा गया। उसे थप्पड़ भी मारे गए। बजरंग दल के नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और कहा कि बाहर का कोई मुसलमान मिला तो उसे जला तक देंगे। कहते हैं देश भगत, इनसे भारत माता की जय बुलवाए, एक भी मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलता। ये कहां से देशभक्त हो गए? कहते हम राष्ट्रवादी है। ये कहां से राष्ट्रवादी है? ये भारत माता की जय नहीं बोलते। इस देश में रहते हुए भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। जहां भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां कोई हिंदू सेफ नहीं है और हर जगह पर हमले हो रहे हैं, और जबकि जहां हिंदू बहुल एरिया है वहां पर किसी भी मुस्लिम को कोई खतरा नहीं है। फिर भी हमले होने चाहिए? फिर भी ये हालत है देश के अंदर की अमरनाथ यात्रा के ऊपर हमले हो रहे हैं और हज यात्रा बड़े ही सेफ्टी के साथ हो रही है। कम से कम हिसार के अंदर 10,000 मुसलमान अवैध रूप से यहाँ रह रहा और सरकार पर कोई ध्यान नहीं। जब कोई बड़ा कोई कांड हो जाएगा, जब इनकी आंख खुलेगी, ये इनका इनसे पूछो ये कहाँ के रहने वाले हैं, सब बाहर के मुसलमान हैं। ऐसे आदमियों को इनको जितने भी है मुसलमान है हरियाणा में रहने नहीं देंगे, इनको निकाल के फेंकेंगे। एक भी अगर मुसलमान हमें अवैध रूप से नजर आया तो इनको जला ही देंगे बिल्कुल। हिसार में हुई इस सांप्रदायिक तनाव की घटना के बाद पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो उठा है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के विरोध में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गरिमा टाइम्स की खास रिपोर्ट।